दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कल्टीवेटर से गहरी जुताई करने के लिए लीवर को किस प्रकार से अच्छे से सेट करें। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और बाद में कमेंट सेशन में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कल्टीवेटर से गहरी जुताई कैसे करें। दोस्तों, ये हमारा जो खेत है ये केवल एक बांह का जोता हुआ है और दोस्तों आप लोग देख लीजिए कि इसकी कितनी गहरी जुताई हुई है। तो दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं कि ट्रैक्टर में लीवर को कैसे सेट करें कि गहरी से गहरी जुताई हो और हमको लीवर ज़्यादा ऊपर नीचे भी करना ना पड़े। तो दोस्तों देखिए, हमारा जो ये लीवर होता है इसको हम एडजस्ट करते समय कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों, ज़्यादातर लोग जो जुताई करते हैं वो इस किनारे वाले पीले वाले लीवर को नीचे गिरा करके और इस लीवर को बीच में करके जुताई करते हैं, जो कि सही नहीं है। दोस्तों, सही तरीका इसका जुताई का ये होता है कि हमें करना ये चाहिए कि काला वाला लीवर जो है बीच वाला, इसको सबसे नीचे कर देना चाहिए और जुताई ट्रैक्टर को स्टार्ट कर लेना चाहिए और आगे धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, और ये जो पीला वाला लीवर है इसको धीरे धीरे सेट करना चाहिए। जितने पर ये बराबर ट्रैक्टर हमारा चले उतने पर इसको रखना चाहिए और जुताई करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करके आप लोगों को चलाकर दिखाता हूँ कि इसको हम कैसे सेट करते हैं। दोस्तों, हमारा ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको कैसे सेट करते हैं। तो दोस्तों, अब इसको मैंने पूरा नीचे कर दिया तो मेरा ट्रैक्टर जो है वो बंद हो जा रहा है और झटका दे देकर चल रहा है। तो हमें ये करना है कि इसको धीरे धीरे हल्का हल्का ऊपर उमासना है। अब एक ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारा ट्रैक्टर बराबर चलने लगता है। दोस्तों, अब मेरा ट्रैक्टर बराबर चल रहा है, अब मैं इसको कुछ नहीं करूँगा, ये इतने पर ही रहेगा और केवल मुझको हैंडल घुमाना है और जुताई करना है। देखिए दोस्तों, कितनी आकर जुताई हो रही है मेरे खेत में, यही मैं आप लोगों को बताने वाला था। केवल दोस्तों आप लोग इतनी सेटिंग ही सही से कर लीजिए तो आपको जुताई करने में बहुत आसानी होगी और आपका खेत भी बहुत अच्छा बनेगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही तरीकों के साथ। धन्यवाद।